नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल A1 स्टडीज़ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 जुलाई 2019 को हमारा CTET होने वाला है और CTET की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो आज हमारा हमने इससे पहले पहला चैप्टर किया था प्याजे का, और आज हमारा दूसरा चैप्टर है कोलबर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग का जन्म न्यूयॉर्क अमेरिका में 1927 में हुआ था। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हमें बताया, जो कि उन्होंने 1963 में इसकी जानकारी सभी को दी थी। तो चलिए बात करते हैं नैतिक विकास के बारे में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अवस्था का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक क्रमिक तरीके से चलता रहता है। जिस तरह से बच्चा परिपक्व होता रहता है, उसी तरीके से वह चलता रहता है, उसका विकास होता रहता है, एज के अनुसार उसका विकास चलता रहता है। जिस तरह से वह बड़ा होता रहता है, उसमें इस विकास में चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के जो ये नैतिक विकास है, एक निश्चित क्रम में चलता है। जिस तरह से बच्चे की एज बढ़ती रहती है, उसमें परिपक्वता आती रहती है, तो उसी तरीके से उसका विकास होता रहता है। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो ये नैतिक विकास जो चलता है, ये क्रमिक है, सभी के साथ ऐसे चलता है, इसलिए इसे क्रमिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रमिक अवस्था के इस सिद्धांत को हम बदल नहीं सकते, यह कंपलसरी है और यह ऐसे ही चलता है। अब इसका अगला पॉइंट देखिए। कोलबर्ग ने प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के आधार पर सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। अर्थात कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं प्याजे का, वो कौन सा नैतिक सिद्धांत जिसको आधार बनाकर कोलबर्ग ने हमें बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसकी दो अवस्थाएँ थी। इसमें पहली अवस्था थी इंग्लिश में हेट्रोनोमस नैतिकता या प्रायत्त नैतिकता, जिसका टाइम पीरियड था है 2 से 8 वर्ष के लिए। इसमें बच्चे मानते हैं कि नैतिकता के नियम निश्चित एवं अपरिवर्तनीय है। बच्चे ये मानते हैं कि अगर हम नियमों को तोड़ते हैं, तो माता पिता या अध्यापक या भगवान द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। तो पहले हम इसका हेट्रोनोमस या प्रायत्त नैतिकता का मतलब समझते हैं। क्या होता है प्रायत्त नैतिकता? प्रायत्त नैतिकता होती है दूसरों से ली जाती है, तो दूसरों के हिसाब से हम अपनी चीज़ें करते हैं। जिस तरह से एक बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा है, और उसे दंड का डर होता है, इसलिए वो नियमों का पालन करता है। अगर वो अपने कपड़े गंदे करता है, तो वो सोचता है अगर मैंने कपड़े गंदे किए हैं तो घर पे मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे। 2-3 साल या 4 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वह होमवर्क नहीं करेगा तो उसे डर होता है कि स्कूल में उसको टीचर डांटेगी। तो इस तरह से वो दूसरों की सोच के आधार पर अपनी नैतिकता को स्थिर रखता है और वह चलता रहता है। तो प्याजे के नैतिक विकास का जो दूसरा सिद्धांत है, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त स्वयं में या खुद में। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 9 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक दूसरों के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं, उनमें संज्ञानात्मक विकास बढ़ जाता है। इस अवस्था में नियमों को अपरिवर्तनीय नहीं मानते। इसमें जो दृष्टिकोण होता है वह लचीला होता है। इस अवस्था में बालक दूसरों के बारे में सोचना आरंभ कर देता है, उसे क्योंकि इसमें सामाजिकता आ जाती है, समाज में बाहर निकलता है, पास पड़ोस में जाता है, अपने मित्रों के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। तो उसे पता होता है कि उसे अपने दोस्तों के सामने खुद को कैसे प्रदर्शित करना या कैसे खुद को उस वातावरण में डालना है। संज्ञानात्मक विकास, जो उसका ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसमें परिपक्वता हो जाती है। इस अवस्था में नियमों को अपरिवर्तनीय नहीं मानते। वह इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसे वह इस बात को जान लेता है कि उसके लिए थोड़ा सा क्या गलत है और क्या सही है, इसलिए नियम है इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। उनका दृष्टिकोण लचीला हो जाता है, वे चीज़ों के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से खुद को डालते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया दृष्टिकोण लचीला। लचीला मतलब किसी भी वातावरण या पर्यावरण में खुद को डालना। वह वातावरण या पर्यावरण समाज का भी हो सकता है या फिर कहीं रहने का भी हो सकता है। तो इन्हीं बातों के आधार पर कोलबर्ग ने प्याजे के इस सिद्धांत को आधार बनाकर अपना सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं कोलबर्ग की जो ने जो अवस्थाएं दी थी वो किस तरह से और क्या दी थी।
आप सभी को मैं एक बात और बताता हूँ कि जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए थे, इसकी तीन अवस्थाएं थी जिनके दो दो भाग थे। मतलब पहली अवस्था में दो भाग, दूसरी अवस्था में दो भाग और तीसरी अवस्था में दो भाग। तो हम इसकी पहली अवस्था के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहली अवस्था हमारी जो होगी वो होगी पूर्व नैतिक स्तर, या इंग्लिश में कहे तो प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 से 10 वर्ष के बीच। तो इसका जो पहला भाग है वो होगा आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा या दंड की अवस्था, या जैसे कोई छोटा बच्चा है, वही प्याजी वाली बात है, जैसे कोई छोटा बच्चा है 2-3 साल का है, तो उसका जो सोचने का तरीका हो दंड से प्रभावित होगा। जैसे वो कोई भी कार्य करेगा तो वह इसलिए बात मानेगा या फिर अच्छा कार्य इसलिए करेगा क्योंकि उसे डर है कहीं उसे दंड नहीं दिया जाए। जैसे बच्चा बाहर खेलने जाता है तो वह इन चीज़ों से बचता है कि वह अपने कपड़ों को गंदा ना करे, वह उनको साफ़ सुथरे रखे, और क्योंकि उसे डर रहता है कहीं घर पे मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे। इसी प्रकार बच्चे आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें दंडित न किया जाए। इसी प्रकार जैसे उस 2, 3 या 4 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो देखता है कि टीचर उससे किस तरह का बर्ताव करेगी, वह किस तरह उसे पढ़ाएगी, और जो उसे होमवर्क देगी तो वह इस तरह से होमवर्क घर पर आके करता है, कहीं टीचर उसे अगले दिन उसे डांटे या फिर उसको ना लताड़े। तो इसलिए जो यह जब पूर्व नैतिक स्तर प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो दूसरा भाग है वह है अहंकार की अवस्था व आत्म अभिरुचि। इंग्लिश में कही तो इसे स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में बालक के जो सोचने का स्वरूप है वह बदल जाता है। आयु की वृद्धि जब बच्चे में होती है तो उसकी जरूरतें बढ़ जाती है, उसे ये भली भांति पता होता है कि उसकी क्या आवश्यकता है, और वह अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अपने स्वभाव में चेंज लेके आता है। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चे को भूख लगती है तो भूख की पूर्ति के लिए वह चोरी करता है, और चोरी करना ही उसे नैतिक आचरण मानता है कि उसके लिए ठीक है। अर्थात यह वह स्थिति है जब बच्चा झूठ बोलने को या चोरी करने को एक नैतिकता मानता है, क्योंकि वह उसे अपने अहंकार और अपने ईगो के लिए ही वह चीज़ों को करता है। इस अवस्था में बच्चे की इच्छाएं और उसकी आवश्यकताएं जो होती है उसके सोचने का आधार होती है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की जो दूसरी अवस्था है वह अवस्था है परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल स्तर। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 10 से 13 वर्ष के बीच, और इसका जो पहला भाग है वह है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है या नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि उसे दूसरे लोगों से प्रशंसा अच्छी लगती है। जिस तरह से 10 या 11 साल का कोई बच्चा होगा तो वह उसमें परिपक्वता आती है, वह समाज में बाहर निकलता, समाज में को देखता है, समाज से अभिप्राय, वह पास पड़ोस में अपने पास पड़ोस में जाता है, उनमें घुलता मिलता है, अपने मित्रों के या दोस्तों के साथ रहता है, तो उसमें एक सामाजिकता आती है, उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी प्रशंसा करता है। तो यह वह स्टेज है जब उसे आवश्यकता होती है एक प्रशंसा की, और उस प्रशंसा के लिए ही वह समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करता है या उसके बारे में सोचता है कि ये ठीक है। सामाजिक प्रशंसा व निंदा के महत्व की समझ, अर्थात बच्चे को इस बात का पता होता है कि उसके पास पड़ोस के लोग और उसके जो दोस्त हैं उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसे खुशी होती है, उसे इस बात की समझ होती है कि प्रशंसा और निंदा का उसके जीवन के लिए क्या महत्व है। समाज में उसकी बातों को स्वीकृति मिलती है, अर्थात बच्चा जो भी कोई हो तो वह खुद वह जब खुश रहेगा जब उसकी बातों को माना जाएगा, उसकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, तो उसमें इस बात का महत्व बढ़ जाता है कि सभी के लिए बढ़ जाता है जो बच्चे होते हैं कि उनकी बातों को माना जाए। और यह वह स्टेज होती है उम्र में जो समाज में इनकी बातों को गौर से देखा जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 10 या 11 साल का बच्चा जब होता है 5वीं 6ठी क्लास में जब वह होता है तो उनको जब वह कोई अच्छा कार्य करता है, जिस तरह से वह 6 नंबर लेके आता है एग्ज़ाम में, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको प्रशंसा मिलती है। तो इससे उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है, और यह वह स्टेज होती है जब बच्चा सभी से अपनी प्रशंसा चाहता है और प्रशंसा के लिए ही वह समाज में बनाए गए नियमों का पालन करता है। कन्वेंशनल स्टेज का जो दूसरा पार्ट है वह होगा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान।
कोलबर्ग के नैतिक विकास का के स्तरों में यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि उसे समाज से प्रशंसा व स्वीकृति मिल जाती है, अर्थात बच्चे की बातों को सुना जाता है, उसकी बातों पर गौर किया जाता है। समाज के रीति रिवाजों पर, परंपराओं, नियमों के प्रति आस्था, यह वह स्टेज होती है जब बच्चा समाज में के जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनमें जो नियम बनाए गए हैं उनके हिसाब से चलता है, उसके प्रति अपनी आस्था रखता है। इसका जो अगला जो पॉइंट है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था भी कहते हैं। यह वह स्टेज होती है जब लड़का या लड़की एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट से अभिप्राय हमारा वह चाहते हैं कि अगर कोई लड़का चाहता है लड़की उसका सम्मान करे, लड़की चाहती है लड़का उसका सम्मान करे, तो यह वह स्टेज है जो जब बच्चे की बातों को सुना भी जाता है और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। और जब उसकी बातों पर ध्यान दिया जाता है, सुना जाता है, तो समाज के नियमों को मानता है क्योंकि उसे प्रशंसा भी मिलती है। समाज में बनाए गए नियमों का वह सम्मान करता है, जो रीति रिवाज उनको मानता है। तो अगली इस अवस्था में जो उसका आखिरी जो स्टेज है वह है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर हिंदी में कहे उत्तर परंपरागत सदर। जो उसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 13 वर्ष आयु से ऊपर के जो बच्चे होते हैं या फिर जो युवावस्था में पहुंच जाने लगते हैं, तो यह वह स्टेज है। तो इसके पॉइंट करते हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था जिसका जब पहला भाग है, बच्चे के नैतिक चिंतन की दशा में परिवर्तन, अर्थात बच्चे का जो नैतिक चिंतन है, जो सोचने की शक्ति है, उसकी दशा में परिवर्तन आ जाता है। अब वह परिपक्व होने लगता है या परिपक्व हो जाता है। बालक सोचता है कि चोरी करना अनैतिक है, उसे पता रहता है कि उसके लिए क्या गलत है, क्या सही, और समाज में उसे किस प्रकार से प्रशंसा मिलेगी, किस प्रकार से उसके बारे में बातें होगी, उसे पता होता है कि चीज़ें कौन सी नैतिक है और कौन सी अनैतिक है। बालक अपने परिवार व राष्ट्र को महत्व देता है। यह वह स्टेज होते हैं जब बालक में पारिवारिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, और राष्ट्रीयता आती है। इस अवस्था में बच्चे को पता होता है कि उसके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी, समाज में किस प्रकार अपनी एक इज्जत बनाएगा, परिवार में उसे कैसे रहना है, समाज में किस तरह रहना है, और हमारा जो राष्ट्र उसको किस तरह से महत्व देना है, या फिर उसकी किस प्रकार से हमें संभालना है। तो बच्चे में परिपक्वता इस स्टेज में अच्छी प्रकार से आनी शुरू हो जाती है। इसका जो अगला पार्ट है, समाज के प्रति विवेक की अवस्था। समाज के प्रति विवेक की अवस्था से हमारा अभिप्राय है, जो हमारा समाज में हम रह रहे हैं उसके प्रति किस तरीके से उसमें रहेगा, उसके प्रति विवेक मतलब समझ आ जाती है। समाज के प्रति अच्छे बुरे की समझ का विकास, यह वह स्टेज है जब बच्चा युवावस्था में जाने लगता है और अच्छे बुरे की समझ का उसमें विकास हो जाता है। उसे पता होता है कि क्या चीज़ें अच्छी है उसके लिए, या फिर क्या चीज़ें बेकार है जो उसे नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत विचारों का विकास, यह वह अवस्था है जब बच्चे के खुद के जो व्यक्तिगत निजी विचार है वह किसी भी चीज़ पर बोल सकता है, वह अपने विचार रख सकता है, और उसमें परिपक्वता आने लगती है इस बात की कि उसे किस तरह से बोलना है, किस तरह से बातें करनी है, बड़ों का आदर किस प्रकार करना है, और अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनसे किस प्रकार से प्यार करना है। इसका जो अगला पॉइंट है वह नैतिक निर्णयों का विकास। नैतिक निर्णयों के विकास में भी वही बात है, नैतिक निर्णयों के विकास में बातें आएंगी, उसे पता होगा कि उसे अपने से बड़े है जो उनकी किस प्रकार से बातें माननी है, उनके आदर्शों पर चलना है, तो इसमें एक आदर्शी बालक बनकर उभरता है। परिपक्वता में वृद्धि, अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है उसमें अनुभव आता रहता है, एक्सपीरियंस वाली चीज़ जो करता है तो उसमें पता होता है कि किस तरह से उसे क्या करना है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, तो उसमें एक समझ आ जाती है, परिपक्व होने लगता है। क्योंकि युवावस्था उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है तो क्या गलत है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर से हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। अगला चैप्टर भी इसका जल्द ही आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है या कुछ और भी चीज़ है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, या कुछ भी बात हो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।